हाल के दिनों में चंद्रयान 2 के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद भारत अंतरिक्ष में एक बड़ी शक्ति के तौर पर स्थापित हो गया है, जिसको लेकर हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है। चंद्रयान 2 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद अब इसरो 2022 तक गगनयान से भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। किसान हो, मछुआरे हो या आप और हम, ATM से पैसे निकालने जैसी कई सुविधाएं अपने उपग्रहों की मदद से ही हासिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में इसरो 2022 तक गगनयान के जरिए भारतीय को अंतरिक्ष में भेजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त 2018 को लाल किले की प्राचीर दीवार से इस महत्वाकांक्षी मिशन का ऐलान किया था। हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब, या हो सके तो उससे पहले, आजादी का 75 साल मनाएंगे तब तक मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। इसरो ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कुछ वर्षों में इसरो के द्वारा किए गए कुछ स्पेस मिशन ने दुनिया को हैरान कर दिया है। आज पूरी दुनिया इसरो के बारे में जानती है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के योगदान में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी। आर्यभट्ट उपग्रह भारत का पहला सैटेलाइट था, जिसे सोवियत रूस के रॉकेट की मदद से साल 1975 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह इसरो की शुरुआती सफलताओं का अहम हिस्सा है। उसके बाद मंगलयान मिशन को लेकर इसरो की ऐसी धाक जमा दी जिसके बाद दुनिया में कोई भी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की काबिलियत और क्षमता को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने पहले प्रयास में मंगल ग्रह तक अपना यान ऑर्बिटर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। अपने प्रयास में मंगल तक पहुंचने में सिर्फ भारत को ही सफलता मिली है। इसरो के नाम एक बार में सबसे ज्यादा उपग्रह यानी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने PSLV रॉकेट की मदद से दुनिया के अलग अलग देशों के 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे। साल 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत चांद को चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक ऑर्बिटर भेजा गया था, जिसने चांद की अहम तस्वीर ली थी। और इसी मिशन की मदद से इसरो ने दुनिया के सामने चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार होने की पुष्टि की थी, जिस पर बाद में नासा ने भी सहमति जताई थी।